हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है फिर से एक नए एडवेंचर में। कृष्ण बाबा की धाम से आप लोग का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा कि मैं यहाँ पे इस एक मठ है यहीं पे रुका था रात में, और अब हम निकलेंगे कटक भुवनेश्वर के लिए। यहाँ से कटक 32 किलोमीटर है और भुवनेश्वर 52 किलोमीटर है। कटक से भुवनेश्वर की दूरी 20 किलोमीटर है, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं है। आज कंप्लीट हो जाएगा और आज पहुँच के अब भुवनेश्वर लगभग 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे। वापस कटक आके फिर कंप्लीट करके डायरेक्ट निकलेंगे पूरी के लिए। तो देखते हैं कि आगे का क्या होता है। और पीछे हमारी साइकिल खड़ी हुई है, देख सकते हैं। और मैं आप लोग को यहाँ का पूरा सीन दिखा देता हूँ। ये रहा भाई साहेब, क्या जगन्नाथ का दारू और बलवंत का दारू यहाँ रहता। अच्छा, मठ में दारू रहते हैं क्या? जो दारू बना था ना, वो दारू यहीं पर रह के था। यहीं पर रह के दारू ऐसे झंकर वो शारदा का मंदिर है यहाँ रहता था। अच्छा, तो ये रहा कृष्ण जी का अंदर का टेंपल। बहुत ही शानदार, अच्छा लगा। रात में आरती में भी मैं जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे की राइड को हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठंड लग गई थी हमें और यहाँ पे मैं एक मेडिकल स्टोर है पीछे, अभी मेडिसिन ले आऊँ, मेडिसिन खाया हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे आराम मिल रहा है। तो रिलीफ लेने के बाद ही अब आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। अभी 2-3 टैबलेट और खाना है, तो वो समथिंग आधे या 1 घंटे के अंतराल पे है। तो राइड को कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे आए थे, रुके थे, नाश्ता किए और दवा लिए, फिर उसके बाद अपना आराम करके अब निकलते हैं। सावधानी मत हटाइए मेरे भाई, ये तो सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटेगी और हालत बहुत खराब हो जाएगी। सो गाइस, हम यहीं पे रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए और सोचा है कुछ लंच भी कर लें। तो ये पीछे होटल है, यहीं पे रुके हैं और लंच करने के बाद ही आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ पता नहीं चला कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कभी कभी आराम मिल रहा है कि अब क्या होता है। खैर, कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, हम लंच करते हैं और लंच करने के बाद ही आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, ऐसा है कि आज हो गए 4 घंटे अभी, और 4 घंटे में मात्र 16 किलोमीटर की राइड किया हूँ और हालत बहुत आज कल से भी ज़्यादा ख़राब है। टेम्पू में आराम कर रहा हूँ, ऑटो में अब लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज के पेट दर्द कर रहा है, इस वजह से अभी आराम कर रहा हूँ। और जब आराम होगा तभी अब आगे की राइड कंटिन्यू होगी। अब धीरे धीरे कटक क्रॉस भी कर रहा हूँ। यहाँ से भुवनेश्वर 20 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी।
इतना ऊंचा ऊंचा ओवर ब्रिज है कि क्या बताएं, दिमाग खराब हो जा रहा है कैसे चढ़ा जाए। एक तो बीजी रूट थी। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का भुवनेश्वर में। चेन्नई यहाँ से 1277 किलोमीटर है। ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर में और अब हम जा रहे हैं प्रांथा निवास, जो कि गवर्नमेंटेड प्लेस होता है टूरिस्ट लोगों के लिए नाइट स्टे में, तो वहां पे हम स्टे करेंगे और देखते हैं वहां का सिचुएशन कैसा रहता है, उस हिसाब से देखा जाएगा। और समथिंग आसपास के एरिया में ही लिंगराज टेम्पल है, तो लिंगराज टेम्पल भी कल विजिट करके यहाँ की जितनी भी प्लेसेस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको कंप्लीट करके हम जाएंगे कटक। फिर कटक वापस रिटर्न जाना है और फिर कटक से हम जाएंगे कोणार्क और पुरी। लेकिन फ़िलहाल आज का देखा जाए, फ्यूचर की को गोली मारिए, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट को परफेक्ट करिए भाई, फ्यूचर ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा। और फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें भुवनेश्वर में आगे, भुवनेश्वर काफ़ी अच्छी सिटी है। थोड़ी बहुत झलक दिखा देता हूँ, बाकी ट्रेलर ये रहेगा, पिक्चर कल निकलेगा। और सो गाइस, ये सिटी से थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से उतना अच्छे प्लेसेस उतना नहीं है इधर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और अब हम जन चलते हैं प्रांथा निवास। प्रांथा निवास में प्रस्थान करते हैं और रात गुजारते हैं। सो गाइस, ऐसा है कि यहाँ पर प्रांथा निवास में आया हूँ, पीछे है प्रांथा निवास, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये लोग बोले हैं कि पूरा ये सीट फुल है यहाँ पे, आप कहीं और देख लीजिए, एक आगे और कल्पना करके है, तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट प्लेस पे इस तरह स्टे करना, इम्पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई फाई में बनाया गया है और बहुत, ये मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे जगहों पे। गाइस, कल का थोड़ा सा ट्रेलर ये रहा, इसके पीछे लिंगराज टेंपल है और ये उसके पीछे बिंदुसार है, मतलब काफ़ी प्लेसेस हैं इधर अच्छे अच्छे विज़िट करने के लिए। तो ये ट्रेलर है, कल पिक्चर रिलीज़ कर देंगे हम, टेंशन ना लीजिए। तो बाबा देखिए, लिंगराज टेंपल दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, सो गाइज, फाइनली ऐसा कि मुझे लोकल स्टे मिल चुका है और ये जो पीछे घर दिख रहा है यहीं पे हम रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग 50 या 100 मीटर की दूरी पे लिंगराज टेंपल है, फिर स्टेट म्यूज़ियम है, तो काफ़ी कुछ इधर आसपास ज़्यादा एरिया में नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के मतलब अंडर में ही सब कुछ सभी प्लेसेस है। तो उसको समथिंग 1 या 2 दिन में कंप्लीट करके हम निकलेंगे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा नहीं रहा क्योंकि आज थोड़ा सुबह में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अब पूरा फिट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एकदम आराम हो गया सब कुछ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया था पानी पूरी खाए हुए, तो यहाँ का भुवनेश्वर का टेस्ट कर रहा हूँ कि पानी पूरी कैसा है।